नमस्कार साथियों, यूरिक एसिड की जांच इसको आप लोगों को दिखाता हूं। तीन चार रिपोर्टें दिखाऊंगा, उसके द्वारा इस यूरिक एसिड टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा होने का क्या मतलब है, आपको जांच कराते समय क्या सावधानी रखना है, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं। अगर आप अपनी जाँच आपने कराई है तो आप अपनी रिपोर्ट से इन रिपोर्ट्स को मैच करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पेशेंट की रिपोर्ट है। इस तरह से कुछ रहता है, नाम लिखा रहेगा, एज रहेगा, इसके अलावा जेंडर। जेंडर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फीमेल में हल्की सी कम रहती है। अब इसमें यूरिक एसिड जैसा कि यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा सीरम में होता है, और रिजल्ट जो सेक्शन है वो आपकी जाँच में जो वैल्यू आई है वो है, और इधर बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल रहता है, मतलब ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल रेंज इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है 3.5 to 7.2 है। वैसे मैं बोलूँ बताऊँ आपको कि 7 तक होती है, 7.2 थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, और ये मेल है इसलिए। अगर फीमेल होती तो 6 तक ही नॉर्मल होता है, मतलब अगर फीमेल के लिए 7 हो जाए या 6.5 हो जाए तो अपन ये समझने लगते हैं कि इनका यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, ये मतलब हल्का सा बढ़ गया है। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ मेल है इसलिए 7.2 तक कर दिया है, वैसे 7 तक अपन कंसिडर करते हैं। कीमत की बात करें तो ये 100 रुपीज़ के आसपास होता है, इसको कभी भी आप करा सकते हैं, कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पर अगर फास्टिंग कराएंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहता है। सीरम में से जांच होती है, और ये किडनी फंक्शन टेस्ट आपने सुना होगा, KFT, ज़्यादातर बार या कई बार उसके साथ भी इसको किया जाता है क्योंकि ये किडनी के बारे में बताता है। तो जैसे आपको यूरिया या क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, जब आप किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें करवाएंगे तो भी हो सकता है यूरिक एसिड की जांच आपको करवाई जाए, या जब जोड़ के अंदर समस्या होती है, जॉइंट्स में दिक्कत होती है, गाउट की समस्या होती है, तब कराया जाता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट है ये, या वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा बोल सकते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। तो ऐसे खाने जिसमें ज़्यादा प्यूरिन होगा, अगर आप वो खाएंगे जैसे कि नॉन वेज होता है, चिकन मटन फिश वगैरह, या इसके अलावा जो एल्कोहल है या हाई शुगरी ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, या दालें वगैरह जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, उससे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। अब जब ज़्यादा यूरिक एसिड ब्लड में हो जाए तो इसको हम लोग हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, और इससे होता क्या है कि ये गाउट की समस्या है, मतलब जॉइंट्स के अंदर, गाउट में जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, और इसी यूरिक एसिड की क्रिस्टल अगर किडनी में जमा हो जाए तो किडनी में स्टोन हो सकता है, और अगर ये ज़्यादा यूरिक एसिड रहे तो लंबे समय में क्रोनिक किडनी डिजीज भी करा सकता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज से यूरिक एसिड भी बढ़ने लगता है क्योंकि यूरिक एसिड यूरिन से निकलता है और निकल नहीं पाता। चलिए अब एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, नंबर 2 रिपोर्ट, इसमें यूरिक एसिड लिखा हुआ, जैसे आप देखेंगे अब इनका रिजल्ट सेक्शन आप देखेंगे तो इसमें 9.5 दिया हुआ है। अब 9.5 है मतलब कि ये ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अपन बोलेंगे, ये भी मेरे ख्याल से मेल रहे होंगे। इसमें भी रेंज दी है 4 to 8, वैसे मैं बोलूँ कि ये 3.5 से लेके मेल के लिए 7 कंसीडर करी जाती है, 8 थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है। 7 के ऊपर अगर मेल में जाती है तो अपन फिर उसको बढ़ा हुआ मानने लगते हैं, मतलब इसको कम करने के जो तरीके होते हैं, खाने में बदलाव है, दिनचर्या में बदलाव है, और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है टारगेट रेंज फॉर गाउट पेशेंट, जो गाउट गठिया के पेशेंट होते हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उनको 6 से नीचे लाना रहता है। अब एक तीसरे पेशेंट की रिपोर्ट है, इसमें भी शुगर कराया है और यूरिक एसिड कराया है, तो इसमें भी यूरिक एसिड देखेंगे इनकी बढ़ी है, 7.4 है, रेंज यहाँ पे 2 to 6 दिया है, तो 6 दिया है मतलब ये शायद फीमेल होंगी, फीमेल के लिए जो नॉर्मल है 6 से मेल के लिए 7 होता है। अभी एक और रिपोर्ट चौथे पेशेंट की है, इसमें यूरिक एसिड इन्होंने कराया है तो 5.2 आया है, मतलब अगर आपका इस रेंज में रह रहा है 6 से नीचे है तो नॉर्मल है, मतलब यूरिक एसिड संबंधित दिक्कत नहीं है। और एक और ये पांचवें पेशेंट की रिपोर्ट, इसमें भी यूरिक एसिड 5.6 है, मतलब ये भी नॉर्मल है। अब होता क्या है कि यूरिक एसिड अगर जैसे बढ़ जाता है, जैसा अभी मैंने बताया बढ़ जाता है, तो किडनी के अंदर स्टोन करता है, और यूरिक एसिड या ये जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जमा हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाए तो इसको हम लोग टोफी बोलते हैं, लेकिन अगर जॉइंट्स में हो जाए तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सारी चीज़ें कराता है, तो उससे जो जॉइंट्स में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो बिग टो मतलब जो नीचे की पैर का अंगूठा है उसके अंदर दर्द, सूजन होना, ये गाउट की एक निशानी है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो गाउट होता है, तो गाउट के ट्रीटमेंट में हमें यूरिक एसिड कम करना रहता है।
अब नॉर्मल रिजल्ट में देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए यूरिक एसिड का। तो मेल के लिए जैसा मैंने बताया कि ये 2.5 से 7 है और फीमेल के लिए 1.5 to 6। ये जो नॉर्मल रेंज है, थोड़ी बहुत अलग अलग जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग लिख दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूरिक एसिड का नीचे होना, कम होना कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं होती, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। सिर्फ इसका बढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो एक बीमारी को बताता है। तो अगर मेल के अंदर 7 से ऊपर या फीमेल के अंदर 6 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब होगा कि हाइपर यूरिसीमिया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उससे संबंधित चीज़ें, बीमारियां हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाई यूरिक एसिड के क्या कारण होते हैं, किन कारण ही हो सकता है। तो एक तो कारण हो सकता है कि किडनी में बीमारी हो, क्योंकि यूरिक एसिड किडनी के द्वारा ही निकलता है, तो किडनी अगर ख़राब है तो यूरिक एसिड नहीं निकलेगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। किडनी स्टोन के साथ भी इसी तरह कुछ होने वाला है। इसके अलावा प्रीएक्लेम्सिया या गर्भवती महिलाओं में जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बढ़ सकता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा प्यूरिन डाइट लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं आसान भाषा में कि जो ज़्यादा मांसाहार खाते हैं, या ऐसे लोग जो शराब ज़्यादा लेते हैं, एल्कोहल पीते हैं, ऐसे लोग जिनमें पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, गाउट के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बताया कि ये यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड सेल्स टूटते हैं, जब ज़्यादा ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे फिर ये यूरिक एसिड हो जाता है। तो ऐसे कोई भी कैंसर जिसमें ज़्यादा ब्लड सेल टूटेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी सेम चीज़ें होती हैं कि सेल जल्दी जल्दी नष्ट होते, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और यहाँ पर लिखा है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि लो यूरिक एसिड होने से कोई समस्या नहीं है, कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं यूरिक एसिड टेस्टिंग क्यों करवाया जाता है। तो एक तो मैंने बताया कि किडनी का जो पैनल रहता है, किडनी ख़राब है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए, देखने के लिए, दूसरा जो गाउट है इसकी डायग्नोसिस के लिए, और जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें जैसे एलोप्यूरिनॉल है या फिवोक्सेस्टेट है, ये कुछ दवाइयाँ हैं, देने के बाद इसके लेवल को मॉनिटर करने के लिए यूरिक एसिड किया जाता है। इसके अलावा किडनी फंक्शन देखना, अगर कीमो चल रही है, रेडिएशन चल रहा है, कोई इंजरी वगैरह हो गई है, जो अभी मैंने दवाइयाँ बताई हैं अगर वो चल रही हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए कितना इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जो किडनी स्टोन है, जैसे बार बार अगर किडनी स्टोन हो रहा है तो यूरिक एसिड करके देख लिया जाता है कि कोई और तो समस्या स्टोन की वजह तो नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद है वीडियो ये यूरिक एसिड की जाँच समझने में मदद करेगा। थैंक यू।